Hello, class 11th student. Today we will learn a poetry, a photograph written by Shelley Tolson. ठीक, इस poetry photograph को मैं बता रहा हूँ. Okay, I am reading this poetry, then I will explain it in Hindi. आपको क्या करना है, घर में इस पोइट्री को एक बार अच्छे से रीड करना है. ऐसा करने से आपकी रीडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और वर्ड आप लर्न करना शुरू कर दोगे. मैं आपको पहले लर्न करना बता रहा हूँ, देन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग वर्ड बाय वर्ड एंड देन वी विल स्टडी द क्वेश्चन answer. A photograph. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling. पेडलिंग का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी बताता जा रहा हूँ. पेडलिंग का मीनिंग होता है जो समुद्र के किनारे चलते हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 10 years और सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल through their hair and the uncle with a camera a sweet face. My mother's that was before I was born and the show which appears to have changed last was there temporarily terribly transist feet. Some 20-30 years later, sheet का मतलब होता है she would. Sheet laugh at the snapshot she betty. And Dolly, sheet say and look how they. Raised up for the beach, the show holidays was her past, mine is her laughter, both my with the labored ease of loss. Now she's has been dead nearly as many years and that girl live and of his circumstances there is nothing to say at all it's silence. ये मैंने आपको रीड करके हो तो बताया हुआ है, आपको भी रीडिंग एबिलिटी आना चाहिए. वर्ड मीनिंग क्या कहानी है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके हो तो बता रहा हूँ, लेकिन आप भी क्या करिए, पहले इसको अच्छे से रीड करिएगा और रीड करने के बाद इसकी स्टडी अच्छे से होता करिएगा. ठीक है, चलिए देखिए फोटोग्राफ समरी इन हिंदी जो मैंने अभी पढ़ के बताया है उसका हिंदी में बता रहा हूं. गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ बैट एट डॉली दो चचेरी बहनों को दिखाता है जो कवित्री की मां के साथ समुद्र में तैरने गई थी. इनके घर में एक फोटोग्राफ था जिसमें बैट और डॉली और कवित्री की मां उन तीनों के फोटो लगे थे जो समुद्र में तैरने गई थी. उनमें से प्रत्येक
कवित्री की एक कैमरा था, तीनों कैमरे की तरफ मुख करके शांत खड़ी रही। तीनों बहनें कैमरे के सामने अपना चेहरा करके खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके। इस प्रकार यह फोटोग्राफ तीन मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी में तीन चेहरे आपको दिखाई देते हैं। कवित्री की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है, यह उसके जन्म के पहले के समय का है। उसके पैर जो कि समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए दो संकेत देती है कि समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में परिवर्तन हुआ है। ये फोटो बहुत पुराना है, समय के अनुसार इसमें काफी चेंजेस हुआ है, यही बताना चाह रहा है। समय बीतने के साथ यूं कहिए कि 20 या 30 वर्ष पश्चात कवित्री की माँ इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की ओर संकेत करके याद करती है कि जब वह समुद्र पर छुट्टी मनाने गई थी तो बेट्स और डाली ने समुद्र के लिए स्वयं को किस प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित किया था। वह इस संक्षिप्त पोशाक को देखकर हंसती है। अब उन लोगों को यानी कवित्री को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कैसा पहना था और उससे उनको हंसी आती है। समुद्र की यह छुट्टी उसके भूतकाल का एक अंश है। उसकी हंसी कवित्री के लिए वास्तविक तथा सुखद है, यह उसके लिए बहुमूल्य स्मृति है। मैंने अभी क्या बताया, ये एक फोटोग्राफ को देखकर कविता लिखी गई है जिसमें कवित्री अपनी बहनों के साथ दिखाई देती है और उसी का वर्णन कर रही है। उसकी छुट्टियां तथा हंसी दोनों एक विडंबना पूर्ण ढंग से आनंददायक हैं, क्योंकि वे उस हानि से जुड़ी हुई हैं जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती है। अब कवित्री की माँ को मरे लगभग उतना समय हो चुका है जितने समय तक चित्र वाली वह लड़की जीवित रही। कवित्री अपनी माँ के देहावसान की घटना पर कुछ शब्द कहने से में स्वयं को असमर्थ पाती है। अब कवित्री की माँ खत्म हो गई है, फोटोग्राफ है और वह उनकी यादों को देख रही है। यह एक गंभीर क्षण है तथा उसकी चुप्पी उसे शांत कर देती है। लास्ट में देखिए दो वर्ड आए हैं, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, उसी का मीनिंग है। इस प्रकार कवित्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। यह वह फोटोग्राफ है जो उसे द्रवित करके चुप करा देता है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे फोटोग्राफ के ऊपर उसने यहाँ पर इस कविता को लिखा हुआ है जिसका हिंदी वर्जन मैंने आपको समझाया है। आप इस कविता को एक बार रीड करेंगे, इसका हिंदी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी कविता को एक एक स्टेप बाय स्टेप करा के क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ओके बाय।